एस12 और सोल का नेम मत लेना प्लीज भाई। एलसी चौधरी, देखो भाई एस12 एंड सोल दोनों मेरे दिल के बहुत करीब हैं, तो नाम तो मैं लूंगा चाहे कुछ भी हो। हाँ नेगेटिवली मैंने कभी नहीं लिया, कभी भी नहीं लूंगा। बाजी आई थिंक सारंग गॉड ऑफ बीजीएमआई, ऑफ कोर्स सारंग ग्रेट प्लेयर भाई, सारंग बहुत शानदार प्लेयर है भाई। बाजी व्हाट इज द रोल ऑफ स्काउट भाई इन आरएनटीटीएक्स? भाई देखो यार स्काउट भाई का रोल क्या है इस पे ज्यादा बेटर स्काउट भाई बोल पाएंगे या फिर आरएनटी की टीम से ही कोई बोल पाएगा, तो आईड रादर नॉट कमेंट। गलत बोलने से अच्छा है मैं ना बोलूं, बट जितना मुझे पता है, जितना मुझे समझ आता है बाहर से, मुझे लगता है स्काउट भाई का रोल एज अ मेंटोर हो सकता है, होगा भी, बिकॉज स्काउट इज अ ग्रेट मेंटोर, ही इज अ प्लेयर एज वेल, ही विल बी एन ईस्पोर्ट्स एथलीट, बट देन हिज रोल वुड बी ऑफ एन ऑफ अ मेंटोर एज वेल, बिकॉज द प्लेयर्स नीड इट, द प्लेयर्स नीड इट। ऐसा नहीं है कि आरएनटी के प्लेयर्स अच्छे नहीं थे, दे वर ऑल्सो गुड, बट दे नीड ऐसा पंप पंप, बिकॉज स्काउट हैज सीन ऑल। आरएनटी के प्लेयर्स प्रोबेबली दे हैवंट सीन द अदर साइड ऑफ इट, मतलब हर कोई ट्रॉफी के पास जाना चाहता है, हर कोई इंटरनेशनल जाना चाहता है, बट दे हैवंट सीन इट येट। और कोई चीज जब तक आप, कोई ब्लिस होता है ना, जब तक आप कोई ब्लिसफुल एक्सपीरियंस जब तक आप करते नहीं हो ना, तब तक आपको नहीं पता चलता कि वो होता कैसा है। मुझे लगता है स्काउट विल बी हेल्पिंग आउट, हेल्पिंग देम आउट। सो बाकी तो देखो ज्यादा डिटेल में तो आई रादर नॉट कमेंट इस मोमेंट पे। आरएनटी वाज अबाउट टू टेक ओमेगा लाइनअप बट सडन प्लान चेंज एंड दे टुक टीएक्स लाइनअप। ऑल्सो आई थिंक दे डिडंट टेक ओमेगा लाइनअप बिकॉज टेकिंग टू लाइनअप विद सेम पोटेंशियल विल कॉस्ट देम मनी, कॉस्ट देम मोर मनी। देखो बिभाष भाई, रोहित भाई के लिए इट्स नॉट अबाउट मनी, इट्स अबाउट गेटिंग द ट्रॉफी और नॉट। ओमेगा वाले लाइनअप को ले रहे थे, ऑफ कोर्स दैट वाज अ ग्रेट लाइनअप, बट देन अगर फिर वो ओमेगा के लाइनअप को लेते तो उनको वो फिर ये टीएक्स वाली डील नहीं कर पाते, एंड आई थिंक टीएक्स वाली डील इज अ मास्टर स्ट्रोक, टीएक्स का कोलैबोरेशन इज अ मास्टर स्ट्रोक फॉर देम, एंड रोहित भाई इज ओनली गोइंग अपवर्ड्स फ्रॉम हियर, ही इज गोइंग ओनली अपवर्ड्स फ्रॉम हियर, वो बिल्ड करेंगे, ही इज गोइंग टू बिल्ड अ लॉट फ्रॉम हियर। टीम ओमेगा गोइंग टीओबी? नहीं नहीं ब्रो। अरे यार सोल किरमादा रिवील कर दूं, अबे सबको ही पता है यार क्या रिवील करेगा। K9 में किसकी बात हो रही है, तीन चार नाम बता दो यार, K9 में किसकी बात हो रही है? K9 में भाई हैदराबाद हाइड्रास टीम, हैदराबाद हाइड्रास, फिनिक्स, ओमेगा, वशिष्ठा और भी बहुत सारे हैं, मतलब और कौन बचा, जूसी, सबकी बात हो रही है। कार्तिक सुन, जब मैं मार्च या अप्रैल के महीने के अंदर एसेटिल गया था, तब स्काउट एक बार फिर से बूट कैंप आया था, तब उसने मेरे को बोला था कि हस्तर एक काम करते हैं ब्रो, तेरे को बूट कैंप नहीं समझ में आ रहा तो तू मेरे साथ शिफ्ट हो जा मेरे घर पे, ठीक है, और वहां पे स्पेस भी है, तू अपना कंटेंट का भी कर लियो और मेरे को भी कंटेंट के अंदर करना है, एंड यू आर वन ऑफ द गाइस दैट आई कैन आस्क फॉर कंटेंट हेल्प, तो साथ में कर लेंगे। दूसरा मेरे को हो रही है एडिटर की दिक्कत, उस वक्त मेरे को पता नहीं था उसका और उर्वेश का क्या चल रहा है, इवन तो उर्वेश उसके साथ ही था, पर उसने मेरे को उस टाइम पे बोला मेरे को एडिटर की दिक्कत हो रही है तो मुझे तेरा एडिटर भी दे दे। भाई यहाँ पे बात बिगड़ गई, मजाक से हट गई, जब मतलब जब बात आई ना कि एडिटर देने की, कि तू भी उसे काम करा ले और मैं भी करा लूंगा। देखो यार मैं, मेरे को ऐसा कुछ नहीं था कि मेरे मन में कोई गलत इंटेंशन था, बट मेरे को ऐसा फील, मेरे को ऐसा था कि वो जो एडिटर था मेरा वो पिछले 1.5 साल से मेरे साथ था, ठीक है, वो पिछले 1.5 साल से मेरे साथ था, एंड ही हैव लर्न लॉट ऑफ थिंग्स फ्रॉम मी, एंड हम दोनों ने बहुत कुछ साथ में शेयर किया एक दूसरे के। आई कांट गिव अवे माई एडिटर, एंड आई न्यू कि मैं मेरे एडिटर को जितना देता हूँ स्टाउट उससे 3 गुना ज्यादा दे देगा, एंड फिर मुझे एक नया एडिटर ढूंढना पड़ेगा। बट टू बी ऑनेस्ट, पता है आई फील बैड नाउ, क्योंकि ही वॉज अ जेन्यून फ्रेंड, मुझे अब रियलाइज होता है, मतलब रियलाइज तो बहुत टाइम पहले हो गया था, कि ही वॉज समवन, जब उसने अभी लास्ट अपनी रिसेंट लाइफ स्ट्रीम जो उसने करी थी ना, उसने बोला कि मैं थोड़ा सा इमोशनल साइड सोचता हूँ, मैं थोड़ा सा ना दोस्ती पहले रखता हूँ अपनी, वो उसकी बात सही है, वो उसका सच में वैसा है कि वो करता है वैसा, उसके लिए फ्रेंडशिप पहले आती है, तो वो चीज़ मेरे को बहुत पहले रियलाइज हुई थी, बट उस टाइम तक मैं सेटल था नहीं और फिर हमारी बातचीत कटअप हो चुकी थी मेरी स्काउट के साथ, तो मेरे को कभी मौका मिला नहीं उसको एक्सप्रेस करने का, आई रिग्रेट दैट आई लॉस्ट एज अ फ्रेंड, और उस टाइम पर शायद हम साथ में कुछ करते तो पहल का मचा रहे होते। जूसी के लिए मेरे को बुरा फील होता है वो वोटिंग वाले सीन के ऊपर, कि लोग इसको भर रहे हैं जूसी को कि भाई तू कैसे फैन फेवरेट जीत गया। देखो मेरा मेरा खुद का भी ऑनेस्ट ओपिनियन है कि जिस लैन के अंदर जॉनथन है, उस लैन के अंदर फैन फेवरेट और कोई जीत ही नहीं सकता। वो बात अलग होती कि अगर उस लैन के अंदर मान लो कि दूसरी टीम्स भी थी जिनके अंदर, अगर दूसरी टीम्स भी होती जिनके अंदर एक में स्काउट खेल रहा होता या एक में मॉर्टल खेल रहा होता फिर एक में जॉनथन खेल रहा होता, तो फिर भी मैं मान सकता हूँ कि हो सकता था कोई भी जीत सकता है, मॉडल भी जीत सकता है, स्काउट भी जीत सकता है, जॉनथन भी जीत सकता है, बट फिर भी ज्यादा चांसेस होते हैं कि जॉनथन ही जीता फैन वोटिंग के अंदर, मतलब स्काउट और मॉडल के होने के बावजूद भी, क्योंकि एनीवेज दोनों भले एसेटिवल का फैन बेस लेके बैठे हैं स्काउट और मॉडल, बट एसेटिवल भी तो फैन बेस भी तो एक ही को वोट करता, तो वो वहां पे वोट बढ़ जाते हैं स्काउट और मॉडल के बीच में। बट अब दूसरा ये था कि लोग कह रहे हैं कि टीएक्स के बंदे भी, टीएक्स के बंदों को भी एसेटिवल का और स्काउट का फैन बेस है, तो वो भी मान के चलो चलो यार पूरा नहीं, पर जॉनथन का, जॉनथन की वोटिंग को आधा टक्कर तो देंगे देंगे, वहां तक भी ठीक था, बट जूसी का जीतना इट वॉज, मतलब ना कोई बोल सकता है ना कोई प्रिडिक्ट कर सकता है ना कुछ, और जब जूसी जीता था
आई ऑल्सो नो दैट ही वॉज ऑल्सो सरप्राइज, उसकी रिएक्शन से पता चल रहा था कि ही वॉज ऑल्सो सरप्राइज दैट हाउ द हेल डिड ही मैनेज टू विन। और इस चीज़ के ऊपर लोग उस बेचारे को भर रहे हैं कि भाई तुम कैसे फैन फेवरेट बन गए, तुम जॉनाथन के होते हुए कैसे। भाई जनता ये नहीं समझती कि भाई कितने, मतलब कितने चुतिया लोग हैं जनता के अंदर, कि वो ये नहीं समझते हैं कि भाई उस बंदे को क्यों भर रहे हो जो जीता है। अबे क्राफ्टन कोई उसके फूफा के नौकर थोड़ी ना है जो वो बोलेगा और जिता देंगे या उसकी बात सुन के हो जाएगा या वो करवा देगा अंदर से। अबे व्हाट आई फील लाइक ये कुछ तो ग्लिच हुआ है या कुछ तो गलती हो गई थी क्राफ्टन की साइड से। एंड ऐसा नहीं है कि नहीं हो सकती, गलतियां हो सकती है, बट आई जस्ट फील लाइक ये मैनेजमेंट की साइड से कोई गलती हो गई थी वोटिंग काउंटिंग। आई मीन लिटरली 50K का प्राइस था, फैन फेवरेट कोई क्यों ही पे करेगा जस्ट फॉर 50K। अरे किसी ने पे नहीं किया है, मतलब एक एक पल के लिए अगर आप थियरी भी लगा दोगे कि एक बंदा बैठा है जो पे कर सकता है जस्ट बिकॉज उसका ग्रुप टॉप पे आए, स्टिल इट्स नॉट वर्थ इट। ओनली